जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ऑटो रेडियोग्राफी होता क्या है, थोड़ी सी एक जो बेसिक जो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि जो रेडियो आइसोटॉप सब्सटेंसेस होते हैं, वो रेडियो आइसोटॉप्स की अगर हम बात करते हैं, देयर आर सब्सटेंसेस दैट आर नोन एज रेडियो आइसोटॉप्स। अब जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं उनको रेडियो आइसोटॉप्स क्यों बोला गया है, क्योंकि वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी और रेडिएशंस को कॉन्टिन्यूसली एमिट करते रहते हैं ताकि वो अनस्टेबल से स्टेबल हो सके। अब जब वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं तो वो रेडिएशंस क्या किस फॉर्म में रिलीज होती है, डिसइंटीग्रेशंस की फॉर्म में। अब उन डिसइंटीग्रेशंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो रेडियो आइसोटॉप्स जो रेडिएशंस जो रिलीज करते हैं डिसइंटीग्रेशंस जो, उनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, दे कुड बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल मेथड, या तो उनको इलेक्ट्रिकली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय स्किंटिलेशन काउंटर्स, और वी कैन डिटेक्ट देम बाय ऑटो रेडियोग्राफी, या फिर हम उनको एक टेक्निक है जिसको ऑटो रेडियोग्राफी बोला गया है, उसकी हेल्प से वी कैन डिटेक्ट दी रेडिएशन एमिटेड बाय दी रेडियो एक्टिव और रेडियो आइसोटॉप्स एलिमेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी है क्या, एक मेथड है रेडिएशन को डिटेक्ट करने का जब भी कोई रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटॉप उसको रिलीज करता है। तो ऑटो रेडियोग्राफी इट इज ए बायो एनालिटिकल टेक्निक विच इज यूज टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल्ड सब्सटेंस विद रेडियो आइसोटॉप इन ए बायोलॉजिकल सैंपल। देखो हमें पता है कि जो भी बायोलॉजिकल सैंपल है, बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग सैंपल है जो भी, तो वो किस कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर। मेनली ये एलिमेंट्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल सैंपल्स को बनाते हैं या ऑर्गेनिक कंटेंट को बनाते हैं। तो जो ये सब्सटेंसेस हैं इनमें से कार्बन हाइड्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर, इनके जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं वो हम यूज करते हैं इन सैंपल्स को, इन बायोलॉजिकल सैंपल्स को डिटेक्ट करने के लिए। यानी कि कार्बन का जो आइसोटॉप, हाइड्रोजन का आइसोटॉप, फॉस्फोरस और सल्फर, इनके जो आइसोटॉप्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप ट्रिटियम है, कार्बन C14 है, फॉस्फोरस P32 एंड सल्फर S35, इन आइसोटॉप्स को हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल सैंपल होता है उनके अंदर क्या करते हैं, उन रेडियो आइसोटॉप से हम इन बायोलॉजिकल सैंपल्स को उनमें ऐड कर देते हैं। अब वो जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं जब वो रेडिएशन एमिट करेंगे तो उन रेडिएशंस को हम क्या कर लेंगे, स्टडी करेंगे। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, सिर्फ क्वालिटी पता करने के लिए नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में भी ऑटो रेडियोग्राफी यूज होता है। अगर इसकी बैकग्राउंड और हिस्ट्री की बात करें तो सबसे जो पहले जो इसकी डिस्कवरी मानी जाती है बैक अराउंड 1867 में, तो एक्सीडेंटली हुआ क्या था कि जो इमल्शंस थे सिल्वर क्लोराइड के और सिल्वर आयोडाइड, मेनली सिल्वर हैलाइड के जो इमल्शंस थे, उनके ऊपर जब यूरेनियम सॉल्ट्स जो है, यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो यूरेनियम की जो रेडिएशंस थी जब इन हैलाइड्स के ऊपर फॉल करी तो उससे जो फिल्म थी वो क्या हो गई, ब्लैक स्पॉट प्रोड्यूस हुए। इससे कहीं ना कहीं जो है ये आया कि जो सिल्वर हैलाइड है जब वो किसी रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, जो कि हम किसी फिल्म पर कैप्चर कर सकते हैं। 1924 में फर्स्ट बायोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें ऑटो रेडियोग्राफी करा गया था वो जो परफॉर्म करा गया, उसमें क्या हुआ कि जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन थे उनके अंदर पोलोनियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो स्टडी करा गया। The distribution of polonium in various biological sample was studied in the first biological experiment. तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें कौन सा रेडियोएक्टिव यूज हुआ था, या जो सबसे पहला जो एक्सीडेंटल जो ऑटो रेडियोग्राफी का हमारा एक्सपेरिमेंट था उसमें कौन सा रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट है वो यूज हुआ था। आफ्टर वर्ल्ड वार टू के बाद क्या हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफिक इमल्शन और स्ट्रिपिंग मेड ऑफ सिल्वर हैलाइड्स वर यूज्ड। वर्ल्ड वार टू के बाद ये माना जाता है कि बेसिकली ऑटो रेडियोग्राफी जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसके बाद फोटोग्राफिक इमल्शंस और सिल्वर हैलाइड की स्ट्रिपिंग्स यूज होना शुरू हो गई थी। जो सबसे कॉमनली यूज आइसोटॉप्स हैं वो है ट्रिटियम, कार्बन डिस्कस किया था, हाइड्रोजन 3,
कार्बन 14, P32 एंड S35। ये मेनली जो रेडियो लेबल्ड जो एलिमेंट्स हैं, आइसोटॉप्स हैं, ये यूज करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी में। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी की, बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। इसके प्रिंसिपल में होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर एटम्स। सिल्वर एटम्स का प्रेसिपिटेशन कब होगा, रिजल्टिंग फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ ए सिल्वर हैलाइड बाय रेडियो लेबल्ड सैंपल। देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक सैंपल लिया गया है। इस सैंपल के अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो है, यानी कि इस सैंपल को हमने इंक्यूबेट किया। सैंपल इज इंक्यूबेटेड विद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। अब जब ये हमारा जो सैंपल है स्लाइड के ऊपर, इसको हमने किसके साथ रखा, फोटोग्राफिक फिल्म के साथ। ये ऊपर क्या है, एक फोटोग्राफिक फिल्म है। अब इस फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर क्या था, इस फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर था ये जो है ग्रेन्स, ये जो यहां पर दिख रहे हैं स्टार टाइप में, दीज आर ग्रेन्स। जो ग्रेन्स कैसे हैं, सिल्वर के ग्रेन्स हैं, सिल्वर हैलाइड्स, सिल्वर हैलाइड्स। अब जो ये सिल्वर हैलाइड है, अब सिल्वर हैलाइड्स के जो ग्रेन्स हैं, दीज आर कोटेड विद जिलेटिन, दीज आर कोटेड विद जिलेटिन, इस तरीके से। यानी कि एक जो सिल्वर हैलाइड है वो एक जो है जिलेटिन से कोट है, ऐसे ही सिल्वर हैलाइड इट इज कोटेड विद जिलेटिन। तो जैसे ही जो नीचे हमारा सैंपल है, जिस सैंपल के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के साथ जब हम किसी फोटोग्राफिक फिल्म को एक्सपोज करते हैं या रखते हैं, तो क्या होगा कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये तो रेडिएशन एमिट करेंगे, दे विल एमिट रेडिएशन। अब ये जब रेडिएशन निकलेंगी, दीज रेडिएशन विल स्ट्राइक दीज ग्रेन्स ऑफ सिल्वर हैलाइड्स विच आर कोटेड विद जिलेटिन। तो जब ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स के ऊपर ये रेडिएशन फॉल करेंगी, तो क्या होगा, नाउ द सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड को हमने AgS लिया है, दिस इज सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, आयोडाइड और फ्लोराइड। ये हमने फॉर्मूले भी लिखे हुए, AgBr, Cl, AgI, AgF। तो यहाँ पर जनरल है सिल्वर हैलाइड। तो जब कोई सिल्वर हैलाइड, ये ग्रेन है जिसके अंदर सिल्वर हैलाइड था, जब कोई सिल्वर हैलाइड है उसके ऊपर कोई भी रेडिएशन फॉल करेगी, एक रेडिएशन जब इसके ऊपर फॉल करेगी, कोई भी रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, तो रेडिएशन व्हेन फॉल ओवर सिल्वर हैलाइड, इट विल कन्वर्ट इनटू सिल्वर आयंस एंड हैलाइड आयंस। यानी कि यहाँ पर हमारे पास Ag+ आएगा और X नेगेटिव आएगा। X कैसे हो सकता है, मान लो क्लोरीन है तो Cl नेगेटिव, तो सिल्वर प्लस और क्लोरीन नेगेटिव, इस तरीके से हमारे पास सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन दोनों आयंस आ जाएंगी। अब जो ये सिल्वर एटम है, अब देखो सिल्वर एटम है, इसकी क्या होगी, रिडक्शन, रिडक्शन होने के बाद दिस सिल्वर आयन विल कन्वर्ट इनटू सिल्वर मेटल। तो इस सिल्वर आयन का क्या होगा, यहां पर दिस सिल्वर आयन का क्या होगा, हमारे पास रिडक्शन, सिल्वर आयन का रिडक्शन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर एटम में। तो सिल्वर आयन का रिडक्शन सिल्वर एटम में होने के लिए हमें क्या चाहिए, डेवलपर। उस डेवलपर की मदद से ही जो सिल्वर आयन है उसका रिडक्शन होगा सिल्वर एटम में। जो यूजुअली डेवलपर यूज करते हैं, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो उस डेवलपर की मदद से क्या होगा कि जो ये सिल्वर आयन है, इट विल रिड्यूस इनटू सिल्वर एटम। सिल्वर एटम जब आ जाएगा, अब सिल्वर जो एटम है वो क्या करेगा, जहां जहां पर सिल्वर एटम आया है वहां पर फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जहां जहां डार्क कलर आएगा, स्पॉट आएगा, वहां पर एक लेटेंट इमेज बननी शुरू हो जाएगी। अब जो ये सिल्वर एटम है, इसको इमेज में कन्वर्ट करने के लिए एक फिक्सेटिव की मदद से उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यानी कि जो हमारा सिल्वर हैलाइड है, बेसिकली उसको हमने सिल्वर एटम में कन्वर्ट करना है। तो सिल्वर एटम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो इस सिल्वर हैलाइड को कन्वर्ट करेंगे सिल्वर आयंस में। अब जब सिल्वर आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो डेवलपर जो है इसको रिड्यूस करेगा सिल्वर एटम में, और उसके बाद फिर ये सिल्वर एटम्स की मदद से क्या होगी, एक इमेज प्रोड्यूस होगी। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि जो रेडिएशंस जो हैं सैंपल से एमिट होंगी,
those radiations, they will ionize the silver halide atom into silver ions. Now the silver ions will reduce to silver atom and an image is produced. जो image बनेगी वो कैसी होगी, जो हमारा sample है, जो इसके अंदर जितनी radiations जहां जहां से जैसी radiations निकल रही हैं, वहां वहां उस तरीके से क्या हुआ, spot बनता जाएगा. तो जहां जहां radiations ज्यादा निकलेंगी वहां पर ज्यादा black color होगा, जहां पर radiations कम release हो रही हैं वहां पर light color होगा. नाउ द मैथडोलॉजी ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी, कि हम जो ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो सैंपल कैसे प्रिपेयर करके हम किस तरीके से जो ऑटो रेडियोग्राफी है उसको परफॉर्म करते हैं. तो ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसमें ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज ए ग्लास स्लाइड. ये ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड के ऊपर हमारा क्या है, सैंपल है. इसको हमने कवर स्लिप से कवर भी कर सकते हैं या फिर जो सैंपल है इसको फिक्स कर रखा है इस ग्लास स्लाइड पर. अब जो ये सैंपल है ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है. रेडियो एक्टिव मतलब इसके अंदर रेडियो आइसोटोप या रेडियो लेबल्ड जो सब्सटेंसेस हैं वो प्रेजेंट है. ये जो सैंपल में, बायोलॉजिकल सैंपल में, इस सैंपल में जो पहला स्टेप होता है मेथडोलॉजी का, उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कवर करेंगे फोटोग्राफिक इमल्शन से. यानी कि जो फोटोग्राफिक इमल्शन हमारा तैयार हुआ है उससे हम इस स्लाइड को कवर कर देंगे. जैसे कि ये किया हुआ है, ये हमारी स्लाइड थी, ये सैंपल था, ऊपर ये जो ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, सैंपल है. इसको हमने किससे कवर कर दिया, ये हमारी क्या है, फोटोग्राफिक इमल्शन. दिस इज ए फोटोग्राफिक इमल्शन. इस फोटोग्राफिक इमल्शन के अंदर क्या होते हैं, ये जो आपको सर्कल में दिख रहा है इस तरीके से, ये क्या है, ग्रेन्स है. दीज आर ग्रेन्स. और ग्रेन्स किस चीज के, सिल्वर हैलाइड कोटेड विद जिलेटिन. जो हमने सिल्वर हैलाइड है उसको जिलेटिन से, हो सकता है कि इसके अंदर क्या हो, एक सिल्वर हैलाइड का क्रिस्टल हो जिसको हमने जिलेटिन से कोट कर दिया. तो ये क्या हो गए, बीड जैसे हमें दिख रहे हैं, तो ये ग्रेन्स हैं छोटे छोटे इस तरीके से. हर एक ग्रेन के अंदर क्या है, एक सिल्वर हैलाइड मॉलिक्यूल है. तो सिल्वर हैलाइड जो है वो फोटोग्राफिक इमल्शन प्लेट जो है हम इस सैंपल के ऊपर रख देंगे. तो होगा क्या कि जो रेडियो एक्टिविटी है, जो सैंपल के अंदर रेडियो एक्टिव पार्ट था, वो किसको एक्टिवेट कर देगा, इन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को. जो सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल थे इनको इस सब्सटेंस से जो रेडियो एक्टिविटी निकलेगी वो क्या कर देगी, एक्टिव कर देगी. अब देखो जो ये सब्सटेंसेस हैं इनसे जब रेडियो एक्टिविटी निकलेगी तो जो आसपास के मॉलिक्यूल हैं वो सबसे पहले एक्टिव होंगे, जो दूर वाले हैं वो एक्टिव नहीं होंगे. तो जो पास वाले, जो नियर बाय जो सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स थे वो क्या हो जाएंगे, इस रेडिएशन की वजह से एक्टिव हो जाएंगे. अब जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो क्या होगा कि उन सिल्वर आयन्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिल्वर एटम्स में कन्वर्ट कर देंगे. जब सिल्वर आयन सिल्वर एटम में रिड्यूस होता है तो सिल्वर एटम क्या प्रोड्यूस करता है, एक डार्क कलर का बैंड प्रोड्यूस होता है, लाइक दिस. यहाँ पर देखें जो ये जो सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स हैं ये मैंने कैसे दिखाए हैं, डार्क कलर के दिखाए हैं, ये बोले जो डार्क है, क्योंकि इस सैंपल से जब रेडिएशंस निकली तो जो आसपास वाले, ये जो आसपास वाले क्रिस्टल और ग्रेन थे ये कैसे कलर के हो गए, डार्क कलर के, जो इसमें पिक्चर में दिख रहे हैं. बाकी जो लाइट कलर के हैं वो कैसे हैं, खाली अभी सिल्वर हैलाइड ही है. तो इसमें क्या होगा कि जो सिल्वर आयन है वो सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होने के बाद कैसा आएगा, हमारे पास डार्क स्पॉट आएंगे. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो ये स्लाइड है इसको वॉश कर देंगे फिक्सर की मदद से. जब फिक्सर से हम इसे वॉश करेंगे तो जो इनसोल्युबल सिल्वर एटम थे वो क्या रह जाएंगे, प्रेजेंट रहेंगे, और जो सोल्युबल सिल्वर आयन्स थी वो चली जाएंगी. यानी कि जो सिल्वर आयन्स थी, यानी कि ये सिल्वर जो आयन्स थे वो वॉश हो जाएंगे और खाली सिर्फ सिल्वर एटम जो प्रोड्यूस हुए हैं डार्क स्पॉट की फॉर्म में वो रह जाएंगे. अब हम इन सिल्वर एटम्स, ये जो हमारा पास जो ये आ चुका है, इसको हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राम. इस ऑटो रेडियोग्राम को हम माइक्रोस्कोप के अंडर जो है ऑब्जर्व करेंगे. नाउ द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी, विच अफेक्ट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनर्जी ऑफ एमिटर. एमिटर का मतलब क्या है कि जो हमने सैंपल लिया है वो सैंपल जो है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव सैंपल है. तो ऑब्वियसली रेडिएशन एमिट करेगा. रेडिएशन हम पढ़ चुके हैं कई टाइप की हैं, अल्फा बीटा गामा पॉजिट्रॉन इस तरीके से.
अगर जो सैंपल है वो ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये सैंपल है, अगर ये ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा तो जो रेडिएशंस है, ये जो रेडिएशंस है ये दूर दूर तक जाएंगी, तो जो इनका ट्रैक लेंथ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ज्यादा जो क्रिस्टल्स हैं वो इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे और रेजोल्यूशन कैसा हो जाएगा, पुअर। और अगर एनर्जी बहुत ही कम है एमिटर की तो क्या होगा कि बहुत ही कम एरिया में क्या होगा ये इसका इफेक्ट आएगा, तो भी रेजोल्यूशन कैसा होगा, पुअर। इसीलिए जो बेस्ट सुटेबल एमिटर है वो होते हैं वीक बीटा एमिटिंग एमिटर्स जो होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर, फॉस्फोरस, ये जो आइसोटॉप्स हैं ये कॉमनली यूज करे जाते हैं ऑटो रेडियोग्राफी में, क्योंकि हाई जो एनर्जी एमिटर है और जो लो एनर्जी एमिटर है दोनों ही केस में जो रेजोल्यूशन कैसा आएगा, दैट विल बी पुअर। सेकेंड इज द डिस्टेंस एंड थिकनेस ऑफ सैंपल। जो हमने सैंपल लिया है, यहाँ जो हमने सैंपल लिया है इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस किससे, फोटोग्राफिक इमल्शन फिल्म से, और थिकनेस कितनी होनी चाहिए सैंपल की। अब देखो जो डिस्टेंस है तो उससे रेजोल्यूशन कैसा हो जाएगा, चला जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा या पूर रेजोल्यूशन आएगा, दोनों ही केसेस में अगर हमारा सैंपल थिक है या फिर जो हमारा जो सैंपल है वो इमल्शन फिल्म से दूर है। अगर जो ये हमारा जो सैंपल है बहुत ज्यादा थिक होगा या इस फोटोग्राफिक इमल्शन से बहुत दूर होगा इसका जो डिस्टेंस है, तो दोनों ही केसेस में हमारा रेजोल्यूशन कैसा आएगा, पुअर आएगा या फिर बिल्कुल खराब आएगा। ग्रेन साइज एंड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स, जो हमने डिस्कस किया था कि फोटोग्राफिक इमल्शन में ये क्या होते हैं, ग्रेन्स, ये सिल्वर हैलाइड, इनके अंदर इस तरीके से सिल्वर हैलाइड जो है वो कोटेड होता है, इस तरीके से जो कोटेड होता है। अब हमें ये देखना है कि जो ये साइज है ग्रेन्स का ये कैसा होना चाहिए, ज्यादातर स्मॉलर साइज होना चाहिए, और जो जिलेटिन की कंसंट्रेशन है वो कम होनी चाहिए इमल्शन में। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, सिल्वर हैलाइड की, क्योंकि देखो जो सिल्वर हैलाइड है वो ही रेडिएशन जब इनके ऊपर फॉल करेंगी तो सिल्वर हैलाइड ही किस में कन्वर्ट होंगे, सिल्वर एटम में। तो जितना ज्यादा सिल्वर वाला पार्ट होगा, सिल्वर हैलाइड होगा, उतना ही ज्यादा सिल्वर एटम आएगा, उतना ही ज्यादा रेजोल्यूशन क्या आएगा, बेटर आएगा। नाउ द थिकनेस ऑफ इमल्शन, जो हमने फोटोग्राफिक इमल्शन लिया है उसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए, वो डिपेंड करती है कि किस तरीके का एमिटर हम ले रहे हैं। अगर हम बीटा एमिटर जो प्रेफर करते हैं मेनली, तो बीटा एमिटर के लिए जो थिकनेस है वो कैसी होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा थिक अगर इमल्शन होगा तो बीटा एमिटर जो है वो इतनी अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे सैंपल से, सॉरी ग्रेन्स के अंदर, और अच्छे से अगर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो रेजोल्यूशन कैसा आएगा, पुअर आएगा। नेक्स्ट इज एक्सपोजर टाइम, भी कितने टाइम तक जो है हमें एक्सपोज करना चाहिए सैंपल फोटोग्राफिक इमल्शन को, एक्सपोजर टाइम लंबा होना चाहिए ताकि